हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन नव भारती फैमिली। मैं हूँ प्रिया शर्मा और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, वो भी 11th क्लास की। 11th का ये चैप्टर सेकंड है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। और एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बोहर एटॉमिक मॉडल, तो उसी को मैं आगे ले जाते हुए आज कुछ सबसे पहले आपको कैलकुलेशंस करवाऊंगी और उसके बाद हम पढ़ेंगे बोहर एटॉमिक मॉडल का 6th पोस्टुलेट। तो चलिए कुछ कैलकुलेशन करते हैं। इन कैलकुलेशंस को आपको बहुत ही ध्यान से करना है क्योंकि इनमें से क्वेश्चन उठ के कॉम्पिटिशन्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए कौन सी कैलकुलेशंस करेंगे हम लोग। बेसिकली ना हम लोग एक्सप्रेशंस निकालेंगे। ठीक है, किस किस चीज के? रेडियस का एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे। हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का एंड टोटल एनर्जी का। इन सभी के हम लोग क्या निकालेंगे? एक्सप्रेशंस निकालेंगे। और इन सब के एक्सप्रेशन बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं, आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लोग जो एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं वो निकालेंगे हम लोग रेडियस के लिए। किसके लिए? रेडियस के लिए। ठीक है, अब आप देखिए रेडियस के लिए हम लोगों को एक्सप्रेशन निकालना है। तो देखिए यहां पर मैंने यहां पर दो एक्सप्रेशन लिखे हैं। पहला है MVR इज इक्वल टू NH अपॉन 2π। ठीक है, दूसरा है ZE स्क्वायर अपॉन 4π एप्सिलॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R। ये एक्सप्रेशन दूसरा है। ये दोनों एक्सप्रेशंस की स्टडी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कर ली थी। इन दोनों एक्सप्रेशन की हेल्प से हम लोग निकालेंगे क्या? रेडियस। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। और हाँ, एक चीज और, ये रेडियस जो है बेसिकली वो क्या है? दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस है ना? दो चार्ज के बीच का डिस्टेंस ही क्या है? ये रेडियस है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। मैं दोनों एक्सप्रेशंस को लिखती हूं। NH अपॉन 2π इज इक्वल टू MVR, ये एक्सप्रेशन फर्स्ट। दूसरा है ZE स्क्वायर अपॉन 4π एप्सिलॉन R स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R, ये दूसरा एक्सप्रेशन। अब देखिए हमें R निकालना है। क्या करना होगा, क्या अप्रोच होगी हमारी, कि जो पहली इक्वेशन है ना, ये पूरी जो इक्वेशन आपको दिख रही है इसका स्क्वायर कर दो और फिर डिवाइड कर दो किससे? दूसरे एक्सप्रेशन से। ठीक है, करना क्या है? पहले तो आपको जो मैंने ये वाला पूरा एक्सप्रेशन बताया, पहला एक्सप्रेशन, उसको स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करते हैं, देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4π स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू एम स्क्वायर बी स्क्वायर और आर स्क्वायर। कर दिया इस एक्सप्रेशन को स्क्वायर। अब इसे आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? सेकंड एक्सप्रेशन से, या मैं बोलूं आपको इससे डिवाइड करना है। करें जेड स्क्वायर अपॉन 4π एप्सिलॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू MV स्क्वायर अपॉन R। ठीक है, डिवाइड हो चुका है। क्या किया आपने? पहले एक्सप्रेशन को स्क्वायर किया, फिर उसको डिवाइड किया किससे? सेकेंड एक्सप्रेशन से, है ना? सिंपल है। अब देखो क्या क्या चीजें कट रही है उसे हम काट देंगे। इस एम से ये एक एम कट रहा है, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कट रहा है, ठीक है। और फाइनली जिससे आप ये देखो, इस फोर से ये फोर कट रहा है, इस एक पाई से ये पाई कट रहा है, ठीक है। ऐसे करके जो रेडियस का एक्सप्रेशन आएगा वो क्या आएगा? एक्सप्रेशन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, ये आपका रेडियस का एक्सप्रेशन आ चुका है। वापस चेकआउट कर लेते हैं। एन स्क्वायर एच स्क्वायर, ये एप्सिलॉन ऊपर आ जाएगा, ठीक है, अपॉन में पाई, ठीक है, एम ये भी नीचे आ जाएगा, जेड ऑलरेडी है ई स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका रेडियस का आ गया है क्या? एक्सप्रेशन। अब आप इसके अंदर देखो, ये रेडियस का एक्सप्रेशन है, इसके अंदर देखो वेरिएबल क्या क्या है जो कि चेंज होगा, हर बार चेंज होगा अलग अलग शेल्स के लिए। तो एक तो एन, ये एन क्या है? नंबर ऑफ शेल्स है और ये हर बार चेंज होगा। ये जेड क्या है? ये बेसिकली एटॉमिक नंबर है और ये भी चेंज होगा, वेरी करेगा एटम टू एटम, ठीक है ना। तो हमारे पास वेरिएबल्स क्या क्या आए? एक तो आया एन स्क्वायर, एक आ गया जेड, ये हमारे पास वेरिएबल है। कांस्टेंट क्या है हमारे पास? एच स्क्वायर एप्सिलॉन पाई एम ई स्क्वायर, ये हमारे पास कांस्टेंट है। अगर हम इस कांस्टेंट की वैल्यू रख दें तो क्या निकल के आएगी? क्या निकल के आएगी? 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड, ठीक है, 0.53 एन स्क्वायर अपॉन जेड, मॉड लगा देना आप, ठीक है। ये आपका पूरा
निकल के आया किसके लिए, रेडियस के लिए एक्सप्रेशन, और ये लॉन्ग एक्सप्रेशन ये वाला। ऐसा नहीं है कि बस आप शॉर्टकट ये वाला याद कर लो रेडियस, नहीं, कई बार जेई में ना कंसेप्चुअली पूछा जाता है, तो आपको ये वाला ऊपर वाला जो फॉर्मूला है यानी एक्सप्रेशन है वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपका पूरा एक्सप्रेशन किसके लिए है, रेडियस के लिए है, ठीक है। तो इसे आप कॉपी करो। अब हम नेक्स्ट एक्सप्रेशन किसके लिए निकालेंगे, वेलोसिटी के लिए। तो आप अच्छी तरीके से इसको करो अच्छी तरीके से। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। नेक्स्ट क्या है हमारा, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। यहां मैंने रेडियस का एक्सप्रेशन साइड में रख दिया है, काम आएगा हमें ये। तो देखो वेलोसिटी का निकालेंगे सेकंड वन, वेलोसिटी का हम लोग निकालेंगे एक्सप्रेशन। तो क्या होगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, किसकी हेल्प से निकालेंगे हम, जो हमारा पहला एक्सप्रेशन है उसकी हेल्प से। क्या है ये, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है। हमें क्या करना है, यहां पर r की जगह हमें ये वाला वैल्यू जो है वो प्लेस करना है, करते हैं पुट करना है बेसिकली। एम वी आर का क्या है बेसिकली, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एफ अलर्ट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर इज इक्वल टू एन एच अपॉन टू पाई, ठीक है। इस m से ये m कट गया, ओके। अब देखो और कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। इस एक n से ये वाला n कट गया, इस एक h से ये वाला h कट गया, है ना। तो बेसिकली मोटा मोटा वेलोसिटी की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आएगी, क्या आएगी, जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, टू पाई एन एच एप्सिलॉन, ये आपका वेलोसिटी का पूरा टर्म निकल के आ जाएगा। कैसे, वी यहां पर रहा, एम कट गया, ठीक है, और पाई भी कट गया ये वाला, तो पाई इधर नहीं आएगा, ठीक है, पाई नहीं आएगा क्योंकि पाई कट गया इधर से, तो एन एच एप्सिलॉन, ठीक है। तो क्या हुआ, एन एच एप्सिलॉन नीचे आ गया, टू ऑलरेडी नीचे था ही, जेड स्क्वायर ऊपर चला गया। तो ये हमारा वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन हुआ, बहुत ही इजीली आ गया, हमारे फर्स्ट एक्सप्रेशन से आ गया। जस्ट क्या करना पड़ा हमें, रेडियस को जो वैल्यू है वो पुट आउट करनी पड़ी। तो ये हमारा वेलोसिटी का आ गया है, आप इसको नोट डाउन करोगे अच्छी तरीके से। क्या है, जेड ई स्क्वायर अपॉन टू एन एच एप्सिलॉन। अब आप अगेन देखो वेलोसिटी में कौन सी चीजें जो है वो वेरिएबल है, वही एटॉमिक नंबर और वही नंबर ऑफ शेल्स। कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट की वैल्यू रखनी है हमें ई स्क्वायर टू एच एप्सिलॉन, और हमारा जो वेरिएबल है वो ये रहा। इस पूरे कांस्टेंट की अगर हम वैल्यू रखें तो क्या आएगा, 2.18 एन एच टू द पावर 6 जेड बाय एन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फाइनल एक्सप्रेशन जो शॉर्टकट वाला एक्सप्रेशन है वो क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 6 जेड अपॉन 1 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो इस एक्सप्रेशन को भी आपको ध्यान में रखना है, और ये जो एक्सप्लेन किया हुआ है इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कंसेप्चुअली क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत नहीं आए कभी भी, आई बात समझ में। तो मैंने ये वी वाला जो एक्सप्रेशन है वो यहां पर रख दिया है। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल चुका है, अब हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, ठीक है। अच्छी तरीके से नोट करो, फिर मैं इसे रब करूंगी। अब हम लोग निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। नंबर थर्ड क्या है, काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन, नॉर्मली हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। करना क्या होगा हमें, जस्ट हाफ एम वी की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, वेलोसिटी की वैल्यू, आपको वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है। बहुत ही इजी है एक्सप्रेशन निकालना, आपको वेलोसिटी की वैल्यू पुट करनी है। तो कैसे पुट करोगे, ये वाला एज इट इज पुट कर दो, जेड ई स्क्वायर अपॉन टू एन एच एप्सिलॉन इसका होल स्क्वायर, इजी है। चलो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हाफ एम जेड स्क्वायर ए की पावर 4 हो गया, अपॉन में 2 का 4 हो गया, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर, गॉट इट। अब ये 2 और ये 4 8 बन जाएगा, 1/8, इसको मैं m बना देती हूं ऊपर, m z स्क्वायर e की पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर, ये आपका काइनेटिक एनर्जी टर्म निकल कर आ गया। ये पूरा क्या है आपकी, काइनेटिक एनर्जी का टर्म है, इसको आपको नोट डाउन करना है अच्छी तरीके से।
है ना, बहुत इजी है, कुछ नहीं किया आपने। जो एम वी हाफ एम वी स्क्वायर था उसमें वेलोसिटी का वैल्यू आपने पुट किया है, जो इसे थोड़ी देर पहले आपने निकाला है जस्ट पुट करके, और ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब अगेन हमें क्या करना है, जो कॉन्स्टेंट है उन सबकी वैल्यू रखनी है। कॉन्स्टेंट कौन से है इसमें, एम है, एट है, ठीक है, चार्ज है अपना, और प्लैंक कॉन्स्टेंट, एप्सिलॉन, इन सबका तो आपको वैल्यू रखना है। वेरिएबल क्या क्या है, अगेन जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर क्या है, वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अगर जब मैं इस पोटेंशियल एनर्जी में इस सबकी वैल्यू पुट डाउन करूं ना, तो हमारे क्या एक्सप्रेशन निकल के आएगा, वैल्यू निकल के क्या आएगा, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकल के आएगा, ठीक है। क्या निकल के आया, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। तो ये चीज हमारे ध्यान में रखना है, ये शॉर्टकट है और ये आपका बेसिक है, दोनों चीजें दिमाग में रखनी है ना। जनरली क्वेश्चन आपके इसी में से आएगा, बट फिर भी कभी कभार एडवांस में जो है ना यहाँ कंसेप्चुअली पूछ लेता है, तो आपको ध्यान में रखना है काइनेटिक एनर्जी का, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी का भी जो फॉर्मूला है मैं यहां लिख देती हूँ, एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन का स्क्वायर, ठीक है। ये आपका पूरा किसका एक्सप्रेशन था, काइनेटिक एनर्जी का। अब हमें किसका एक्सप्रेशन निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का। किसका निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी का। तो चलिए निकालते हैं अच्छी तरीके से एक्सप्रेशन, आई होप आपने ये पूरा नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए, अब हमें निकालना है किसका एक्सप्रेशन, फोर्थ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का हमें निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है पोटेंशियल एनर्जी का। अब आप मुझे बताइए, हम ये जो वेलोसिटी, रेडियस, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किस चीज के लिए काउंट कर रहे हैं, किस चीज के लिए हम लोग बेसिकली कैलकुलेट कर रहे हैं, कि एक न्यूक्लियस है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस का चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था क्या था, प्लस जेड ई, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, माइनस में है, ठीक है। तो इन दोनों चार्ज की वैल्यू हम रख देते हैं, ये Q1 है और ये आपका Q2 है, तो रखते हैं इसमें वैल्यू, Q1 माइनस ई का चार्ज होगा और ये होगा जेड ई, ठीक है ना। माइनस ई क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस में होता है ना, तो हमें बेसिकली जो हम चार्ज रखेंगे तो उसके साइन के साथ आपको रखना है, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। अब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, अब क्या होगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। अब क्या करना है इस टर्म में, सिर्फ इतना करना है कि जो ये रेडियस है ना, इस रेडियस की कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू आपको रखनी है, पुट डाउन करनी है। करें, क्या होगा, माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन, अब आर की वैल्यू रख देते हैं, क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर, इस पाई से ये पाई कट गया, ठीक है। और टोटल जो पूरा फॉर्मूला निकल के आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, वो क्या निकल के आएगा, वो निकल के आएगा माइनस एम जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन 4, ये ई की पावर में 4 है ना, ठीक है, अपॉन 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर, ठीक है, ये एप्सिलॉन का स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका टोटली जो है टर्म निकल के आ रहा है पोटेंशियल एनर्जी का, ध्यान से देखो, माइनस में होगा साइन, माइनस एम स्क्वायर ई की पावर 4, 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर और एप्सिलॉन स्क्वायर। अब आप एक तो ये एक्सप्रेशन देखो और एक एक्सप्रेशन देखो काइनेटिक एनर्जी का। अगर पोटेंशियल एनर्जी में मैं ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दूं 2 से, तो ये 2 यहां पर 4 से मल्टीप्लाई होकर 8 बना लेगा, है ना, 8 बना लेगा। तो ये पूरा टर्म कैसे हो जाएगा, इस 2 को मैं आगे लिख देती हूं ऐसे, ये ऐसे 2/8 मैंने रख दिया। तो आप देखो जितनी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू थी ना, उससे मतलब दुगना तो नहीं बोलूंगी क्योंकि ये माइनस में है, बट बेसिकली अगर न्यूमेरिकली देखे ना तो दुगनी है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, बट नेगेटिव में,
बट नेगेटिव में। आप देखो यहाँ पर क्या 1/8 एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन स्क्वायर, यहाँ पर भी 2 मल्टीप्लाई बाय एम जेड स्क्वायर ई फोर अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर। तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी का जो भी वैल्यू आया बेसिकली वो क्या है आपका माइनस में है बट दुगना है काइनेटिक एनर्जी से, इसलिए मैंने मल्टीप्लाई किया था ऊपर भी दो को नीचे भी दो को ताकि इसका एक्सप्रेशन एकदम सेम बना सकूं और इजिली हम लोग टोटल एनर्जी को काउंट कर सके, है ना, टोटल एनर्जी को हम इजिली काउंट कर सके। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का आप अच्छी तरीके से एक्सप्रेशन देख लीजिए, मैं यहां पर लिख देती हूं इसको अच्छी तरीके से, क्या है माइनस एम टू लिखते हैं इसका आगे माइनस टू एम जेड स्क्वायर ए की पावर फोर अपॉन 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर। ठीक है, ये काम आएंगे एक्सप्रेशन जब हम टोटल एनर्जी निकालेंगे, तो ये एक्सप्रेशन आप लोग ध्यान में रख लो। अगेन एक चीज और, अगेन हमें क्या करना है, कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे आप, कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे तो क्या होगा बेसिकली, जब काइनेटिक एनर्जी में क्या था 13.6 है ना जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, वैसे इसमें क्या हो जाएगा माइनस टू मल्टीप्लाई बाय 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी में कांस्टेंट रखने के बाद में क्या वैल्यू थी 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैसे यहाँ पर सिर्फ दुगना है बट नेगेटिव में है तो माइनस टू मल्टीप्लाई बाय सारी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। ठीक है, तो ऐसे भी आप इसे कर सकते हो, है किसमें ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसे आप अच्छी तरीके से कॉपी करो फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगी टोटल एनर्जी। तो अब हम निकालते हैं टोटल एनर्जी, फिफ्थ हमारा क्या पॉइंट है टोटल एनर्जी। अब देखिए जो टोटल एनर्जी है ये हमारे कहां काम आएगी, जब हम नंबर ऑफ शेल्स, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि शेल्स की भी अपनी एक एनर्जी होती है और वो एकदम फिक्स होती है, तो जो वो एनर्जी है शेल्स की उसको निकालने में क्या यूज आएगा टोटल एनर्जी का फॉर्मूला। तो क्या होता है टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या होती है सम होता है, किसका सम होता है पोटेंशियल एनर्जी का प्लस काइनेटिक एनर्जी का। ठीक है, तो देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है हमारे पास माइनस टू एम जेड स्क्वायर ई की पावर फोर अपॉन 8 एन एच ये इसका स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी है एम जेड स्क्वायर ई की पावर फोर 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर। ठीक है, सही है एकदम। हाँ, अब क्या करेंगे कॉमन टर्म्स को कॉमन ले लेते हैं, सेम टर्म्स को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, क्या होगा एम जेड स्क्वायर ई की पावर फोर 8 एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर बचा क्या माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन यानी माइनस वन। ठीक है, तो क्या करना है इस पूरे एक्सप्रेशन के आगे क्या लगा दोगे माइनस वन या माइनस लगा दो, वन लिखने की जरूरत नहीं। तो ये हमारा टोटल एनर्जी का पूरा फॉर्मूला उठकर आ गया। ठीक है, यानी कि ये क्या है जस्ट नेगेटिव है काइनेटिक एनर्जी के, जस्ट क्या है नेगेटिव है काइनेटिक एनर्जी के, टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी का नेगेटिव इसके अंदर हम लोगों ने देख लिया। इसको अगर हम इसके अंदर भी, तो आपको ध्यान रखना ही है, अगर टोटल एनर्जी के अंदर हम लोग सारी कॉन्स्टेंट की वैल्यू पुटअप करें, क्या क्या है कॉन्स्टेंट माइनस एम की पावर माइनस तो हटा दो एम ई की पावर फोर एट एन एन भी नहीं है एन तो वेरिएबल है जेड स्क्वायर एप्सिलॉन का स्क्वायर वेरिएबल क्या है जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, तो इन सब की वैल्यू अगर हम रखें तो क्या आएगा माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्या है टोटल एनर्जी, ये क्या है टोटल एनर्जी। ठीक है, आपको ये वाला भी एक्सप्रेशन याद रखना है, आपको ये शॉर्टकट वाला भी एक्सप्रेशन याद रखना है। अब हम आगे जो करेंगे जो शेल्स की हम लोग निकालेंगे ना एनर्जी वो इस वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, इजी पड़ेगा। तो ये टोटल पूरा एनर्जी रहा, आपको इसे अच्छे तरीके से नोट डाउन करना है। अब हम लोग चलेंगे आगे नंबर ऑफ जो शेल्स थे बेसिकली उन सबके बारे में, सबकी एनर्जी हम लोग काउंट करेंगे और एक कंसेप्ट भी मैं आपको बताऊंगी, तो पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो अब जो मैं आप लोगों को बात बताने जा रही हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखना जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है ना, जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है ये जो है बेसिकली ये ओनली ऑन बेसिकली अप्लाइंग है किस पर, ऐसे एटम्स पे, ऐसे एटम के जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन, जिसके पास क्या हो एक ही इलेक्ट्रॉन, ऐसे
बेसिकली एटम पर ही जो है अप्लाई होगा बोर का एटॉमिक मॉडल, जिसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। एक ही इलेक्ट्रॉन से हमें क्या याद आ रहा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमें याद आ रहा है क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आप कहोगे क्या मैम इसी पर अप्लाई है? नहीं, सपोज करिए अगर मैं बात करूं हीलियम, मैं बात करूं लिथियम, ठीक है, हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, दो। लिथियम का कितना होता है, तीन। दो एटॉमिक नंबर यानी दो प्रोटॉन, मतलब दो ही क्या इलेक्ट्रॉन, लिथियम में तीन इलेक्ट्रॉन। हीलियम या लिथियम पर क्या बोहर एटॉमिक मॉडल अप्लाई होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। बट अगर ऐसा हो कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन है और मैंने हीलियम के एक इलेक्ट्रॉन को बाहर भेज दिया, किसी को दे दिया, लूज कर दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हीलियम पर प्लस का साइन आ जाएगा। यानी इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे जो चीज लिखी हुई है इससे क्या पता चल रहा है, हीलियम के ऊपर प्लस का चार्ज है। क्या पता चल रहा है कि हीलियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया और हीलियम के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने थे, दो। मतलब कि हीलियम जो है अब उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और अब इस कंडीशन पे जो बोहर का एटॉमिक मॉडल है वो अप्लाई हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? दूसरा एग्जांपल लो लिथियम का। लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, तीन इलेक्ट्रॉन है। अगर लिथियम के मैं दोनों इलेक्ट्रॉन किसी को दे दूं या लूज कर दूं, ठीक है, तो ये जो लिथियम पर दो प्लस का जो आया है बेसिकली साइन, है ना, इसके क्या दर्शाता है कि इस लिथियम के पास तीन इलेक्ट्रॉन थे, इसने दो इलेक्ट्रॉन दे दिए, अगेन इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन बचा और लिथियम के पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, क्योंकि इसके पास तीन थे, इसने दो दे दिए, दो लूज कर दिए, एक इलेक्ट्रॉन बचे, अगेन ये जो है इस पर एप्लीकेबल क्या हो जाएगा, बोहर एटॉमिक मॉडल। तो ये बात ध्यान में रखनी है, बोहर एटॉमिक मॉडल ओनली अप्लाइंग ऑन एटम दैट हैव वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, जिनके पास वन इलेक्ट्रॉन है। और आइडियली अगर मैं बात करूं तो वैसा एटम कौन सा है, हाइड्रोजन एटम। इसलिए हम बोहर एटॉमिक मॉडल को हम बोलते हैं, अब बोहर मॉडल फॉर हाइड्रोजन एटम भी हम लोग कई बार बोलते हैं, क्योंकि ये ओनली अप्लाई होता है एक इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है। और बाकी पे तो देखो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हो, हीलियम पे अगर आप लूज कर दो इलेक्ट्रॉन, है ना, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, बट आइडेंटिकली बेसिकली कुछ नहीं ले देके एक हाइड्रोजन ही होता है जिसपे की प्योरली ये अप्लाई होता है बोहर एटॉमिक मॉडल, ठीक है। तो अब हम लोग जो हाइड्रोजन एटम की जो शेल्स हैं, नंबर ऑफ वैल्यू एन है, के एल एम एन है ना, और स्मॉल एन की जो वैल्यू निकल के आती है, जो कि शेल नंबर बोलते हैं जिसको हम, उन सब की एनर्जी अब हम लोग निकालेंगे, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए उन सब शेल्स की एनर्जी हम लोग निकालेंगे वन बाय वन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग निकालेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए शेल्स की एनर्जी निकालेंगे, ठीक है। तो अब आप देखो सबसे पहले टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी यानी टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हमने क्या निकाला था, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला है हमारे पास टोटल एनर्जी का, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो हाइड्रोजन एटम है उसका एटॉमिक नंबर होता है वन, शेल्स हमें एन की जो वैल्यू है वो वन टू थ्री और फोर तक निकालनी है, ठीक है। तो पहले हम किसके लिए निकालेंगे n इज इक्वल टू वन के लिए, ठीक है, निकाले क्या आएगा, माइनस 13.6 एटॉमिक नंबर वन का स्क्वायर अपॉन n क्या है, यहां पर वन ही है, वन का स्क्वायर और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या हुआ वैल्यू क्या आई, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब कि जो एनर्जी है पहली शेल की वो कितनी आई, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यहां पर लिखते जाते हैं हम लोग साइड में, ठीक है। एन इज इक्वल टू वन के लिए एनर्जी कितनी आई, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं एन इज इक्वल टू टू के लिए, एन इज इक्वल टू टू के लिए, यहां पर मैं साइन करती रहती हूँ, एन इज इक्वल टू टू के लिए क्या होगा, माइनस 13.6 ऊपर वन का स्क्वायर, एटॉमिक नंबर वन है, नीचे टू का स्क्वायर और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या आएगा, माइनस 13.6 वन अपॉन टू का स्क्वायर फोर हो गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका किसका एक्सप्रेशन आ गया, एनर्जी का, ठीक है, एनर्जी का एक्सप्रेशन कितना आया, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। मैं इसको भी वहां लिख देती हूँ, n इज इक्वल टू टू के लिए एनर्जी कितनी है, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
अब मैं यहां निकाल लेती हूँ किसके लिए, n इज इक्वल टू थ्री के लिए, n इज इक्वल टू थ्री के लिए निकाले क्या रहेगा, एनर्जी कितनी रहेगी, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 एटॉमिक नंबर वाई वन स्क्वायर अपॉन आपका जो नंबर ऑफ शेल्स है वो थ्री है तो थ्री का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 वन अपॉन नाइन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और माइनस 13. इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आपका एनर्जी आ गया किसके लिए, नंबर ऑफ शेल अगर तीन हो तो, नंबर ऑफ शेल कितना हो थ्री हो तो, ठीक है, तो एनर्जी कितनी आ रही है, मतलब थर्ड नंबर ऑफ शेल की जो एनर्जी है ना वो फिक्स है, वो कितनी है, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो यहां लिख देते हैं एन इज इक्वल टू थ्री के लिए जो एनर्जी आ रही है वो आ रही है माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम लोग निकाल लेते हैं अगर एन इज इक्वल टू क्या हो, फोर हो, ठीक है, तो इसके लिए अगेन मैं पुट करती हूँ वैल्यूज को, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 जेड की वैल्यू अगेन वन स्क्वायर और एन क्या है, नंबर ऑफ शेल फोर है तो फोर का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6, ठीक है, वन फोर का स्क्वायर यानी 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैल्यू आ जाएगी इसकी फाइनल माइनस में 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, वोल्ट। तो n इज इक्वल टू फोर के लिए एनर्जी कितनी आई, माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे हाइड्रोजन एटम के लिए जितने भी शेल्स थे उन सब की एनर्जी हमने निकाल ली है, किसके एक्सप्रेशन से, टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन से। और ये हमारा नंबर ऑफ शेल्स, जैसे वन है तो इतनी, टू है तो इतनी, थ्री है तो इतनी और फोर है तो इतनी की सारी हमारे पास एनर्जी आ चुकी है। अब मैं आपको इसको डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। एक बार न्यूक्लियस है, ठीक है, यहां पर पहली शेल, ये हाइड्रोजन एटम के लिए, यहां पर दूसरी शेल, यहां पर तीसरी, यहां पर चौथी, यहां जो फर्स्ट शेल है उसकी कितना एनर्जी है, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दूसरा जो शेल है उसकी कितनी एनर्जी है, माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड जो शेल है उसकी कितनी एनर्जी है, माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फोर्थ जो है बेसिकली शेल उसका कितना है, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बात समझ में आ रही है, ये किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए, ये किसके लिए है, हाइड्रोजन एटम के लिए। अब आप देखो कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। अब देखो जैसे ही बाहर की तरफ जा रहे हैं, आउटर शेल की तरफ जा रहे हैं, एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्यों हो रही है एनर्जी इंक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अगर वो फर्स्ट शेल में है तो एनर्जी इसकी माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगी। इस बात का ध्यान में रखिएगा कि जितनी शेल की एनर्जी होगी अगर उतनी ही एनर्जी इलेक्ट्रॉन की होगी ना तभी वो उस शेल में रिवॉल्व कर सकता है, घूम सकता है, वरना नहीं कर सकता। अब एक बात और कि कौन सी मैक्सिमम एनर्जी होती है, जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो मैक्सिमम कब होगी, वो मैक्सिमम होगी जब जीरो आ जाएगी वैल्यू, जब क्या होगी, जीरो आ जाएगी। अब टोटल एनर्जी जब जीरो होगी ना तो ये इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, ये इसका कैसा पॉइंट होगा, मैक्सिमम पॉइंट। अब मैक्सिमम पॉइंट का क्या मतलब, जब नंबर ऑफ शेल कौन सा आएगा, इनफाइनाइट, जब ना, अभी तो नंबर ऑफ शेल की वैल्यू क्या है, फोर है, एन इज इक्वल टू फोर पे है ना, ये एन इज इक्वल टू वन पे, ये एन इज इक्वल टू टू पे, ये एन इज इक्वल टू थ्री, ये एन इज इक्वल टू फोर, जब एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ जाएगा तो उसकी एनर्जी भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। कैसे होगी एनर्जी जीरो, फॉर्मूला देखो आप, माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है, अब आप देखो माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन, यहां पर क्या है, इनफाइनाइट है, अगर एन इनफाइनाइट आ गया अपॉन में तो मतलब ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो बात समझ में आ रही है, जीरो अगर किसी की एनर्जी हो जाती है इलेक्ट्रॉन की तो मतलब पहुंचोगे वो सबसे लास्ट वाले शेल में पहुंच गया, मतलब सबसे इनफाइनाइट, सबसे दूर वाले शेल में ये पहुंच गया, इस चीज का आप ध्यान रखना। तो देखिए आपको मैं यहीं पर ही सिक्स जो पॉस्टुलेट है वो समझा देती हूँ। मैंने आपको फिफ्थ पॉस्टुलेट में कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है ना तो वो एनर्जी गेन कर सकता है ना ही वो लूज कर सकता है व्हाइल रिवॉल्विंग, जब वो किसी शेल में रिवॉल्व कर रहा है। बट कुछ कंडीशन मैंने आपको उसी टाइम कह दी थी कि कुछ कंडीशन है, अगर वो पूरी कर ले तो वो रिवॉल्व कर सकता है, वो बेसिकली एनर्जी गेन और लूज कर सकता है। तो सिक्स पॉस्टुलेट कहता है इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी और लूज एनर्जी
इलेक्ट्रॉन कैन गेन एनर्जी और कैन लूज एनर्जी, ठीक है, और कैन लूज एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है और लूज भी कर सकता है एनर्जी को, बट कंडीशन क्या है कि इफ इट गेन एनर्जी, अगर ये गेन करता है एनर्जी को तो क्या करेगा, इट जंप हायर, ये जंप करेगा हायर। और अगर मैं समझाऊंगी आपको, एक बार लिख लो, इफ इट लूज एनर्जी, ये एनर्जी है ई का मतलब, इट जंप लोअर, हायर इन द शेल लिख सकते हो आप, हायर इन द शेल, लोअर इन द शेल। क्या कंडीशन बताई इसमें, अगर ये गेन कर ले इलेक्ट्रॉन को, सपोज करो मैं बताती हूं आपको, अगर सपोज करिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, ठीक है, इसने यहां पर इसकी एनर्जी कितनी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसने इतनी एनर्जी गेन कर ली कि इसकी एनर्जी कितनी हो गई -1 point, इसकी एनर्जी इतनी हो गई कि -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गई, इसने गेन कर ली ना एनर्जी, तो ये क्या करेगा, जंप कर लेगा यहां पे, ये क्या कर लेगा, जंप कर लेगा अपने से ऊपर वाले में अगर ये गेन कर लेता है तो, ठीक है। सपोज करो, दोबारा बताती हूँ, एक इलेक्ट्रॉन मान लो यहां पर है सेकंड वाले शेल में, एक इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले शेल में है। अब सपोज करिए इसके पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि इसके पास इसने कितनी एनर्जी गेन कर ली, 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये डायरेक्ट कहां चला जाएगा, इस लास्ट वाले शेल, तो ये क्या करेगा, इट जंप हायर इन द शेल, ये जंप करेगा उस शेल में चला जाएगा जिसकी इसके पास एनर्जी आ जाएगी। बट अगर इसके पास एनर्जी आती है 0.85 और ये बीच में जो ये इसका खुद का कितना है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इसके पास वो एनर्जी आ जाए या इसके पास उतनी एनर्जी आ जाए, है ना, जितनी की इस शेल में है, किसी भी शेल की एनर्जी है, तो ही ये जंप करेगा। ऐसा नहीं है कि ये बीच की कोई एनर्जी आ गई तो भी ये जंप करेगा। सपोज टू बी, अगर सपोज करो कोई बच्चा है, उसको हमने बोल दिया कि आपको ये सीट मिलेगी अगर आपके परसेंट आए 90, या फिर ये सीट मिलेगी अगर आपको परसेंट आए 80। अगर आप बच्चे के 90% आएंगे तो ही ये सीट मिलेगी, या 80% आएंगे तो ही ये सीट मिलेगी, लेकिन साफ कह चुके हैं अगर 95 आ जाए या 85 भी आ जाए, ठीक है, तो भी जो है ये सीट नहीं मिलेगी, ये सीट फिक्स है, या तो 90 वाले को मिलेगी या 80 वाले को मिलेगी, बीच वाले को नहीं मिलेगी। सेम यही बात है कि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 13.6 वोल्ट है तो फर्स्ट में रहेगा, सेकंड में अगर -3.4 है तो सेकंड में, और ऐसे ही बाकियों के लिए। अब सपोज करो एक इलेक्ट्रॉन यहां था, उसकी एनर्जी कितनी है -3.4, उसने इतनी एनर्जी लूज कर ली कि उसकी एनर्जी कितनी हो गई फर्स्ट शेल के बराबर, तो ये कूदकर नीचे आ जाएगा, कूदकर सेकंड शेल में आ जाएगा। तो इसका सेकंड वाले का क्या मतलब है, इफ इट लूज एनर्जी इट जंप्स लोअर इन द शेल, ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये पूरा बोहर एटॉमिक मॉडल जो है खत्म होता है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि बोहर ने 3-4 चीजें और बताई थी। उसने बताया था कि जो नेचर है, बेसिकली नेचर पे उसने बात की थी, ठीक है, और आगे हम जो पढ़ेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रम, जिसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए थे, तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।